आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, शाम 6 बजे प्रतिमा के होलोग्राम का करेंगे अनावरण। कल पीएम करेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद, 1,00,000 नकद के साथ मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी आयोजित, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। सपा के पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी, स्टार प्रचारकों में 30 लोगों में अखिलेश के लिए वोट मांगेगी जया बच्चन। 24 घंटे में कोरोना के 3,33,000 नए केस हुए दर्ज, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 21,00,000 के पार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। और पहली खबर बंसल संबल से सामने आ रही है, जहां पर चंदौसी के समाजवादी के प्रत्याशी घोषित होते ही समाजवादियों में जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं समाजवादी प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी गुलावो देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि चंदौसी में बीजेपी के राज में बीजेपी विधायक ने जनता से झूठे वायदे कर उनके वोट हासिल किए हैं, मगर चंदौसी की जनता अभी तक नगर गांव में के विकास के लिए तरस रही है। ना हमारे किसानों को कोई लाभ दिया, ना ही हमारे ग्रामीण लोगों को और हमारी महिलाओं को और हमारी बेटियों को स्वास्थ्य विभाग की अच्छी सुविधाएं मिल पाई हैं, ना सड़कों की अच्छी सुविधाएं मिल पाई हैं, ना यहाँ पर किसी प्रकार का भी ऐसा कोई लाभ हमारी क्षेत्र की जनता को उन्होंने दिया ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ की जनता उनके लिए ये कह सके कि हम पुनः उन पर कोई आप विचार करें। अब क्षेत्र में हमारी ग्रामीण जनता का पूरा रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो चुका है। मेरी जनता से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोगों ने ऐसे धोखेबाजों पर, आप लोगों ने ऐसे झूठे लोगों पर भरोसा किया जो आपके भरोसों को जीत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई और आप ही के वोट लेकर के आप ही का गला घोटने का काम किया, आप ही के ही विकास के रास्ते बंद कर दिए, आप ही को ही बेरोजगार बना दिया, आप ही की बेटियों की इज्जत और अस्मत लूटने का काम किया। मैं निवेदन करती हूँ कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिता करके आप अपने विकास के रास्ते और अपने सुरक्षा के रास्ते खोलिए। धन्यवाद। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर कांग्रेस की जिला इकाई ने आज पार्टी के घोषणा पत्र को दोहराते हुए 20,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर 20,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, वहीं पर 40% महिलाओं की इसमें भागीदारी रहने वाली है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए सरकार आने पर स्टार्टअप लोन का भी वायदा किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी पार्टी ने युवा विधान, युवा घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में युवाओं को सरकारी नौकरी मुहैया कराने की गारंटी दी है। हम उत्तर प्रदेश के 20,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी मुहैया कराएंगे, जिसमें 40% महिलाओं के लिए आरक्षण भी रहेगा। सिर्फ नौकरियां ही नहीं, और भी हमारे प्रदेश के युवा जो किसी उद्योग से जुड़े हुए हैं या किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग स्टार्टअप लोन्स का भी व्यवस्था करेंगे, ऐसा हमारी घोषणा पत्र में है। इसके पहले हमारी दो लिस्ट जारी हुई हैं, जिसमें से उन दोनों लिस्टों को आप उठा के देख लीजिए, हमने 40% से ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो अगर 40% का आरक्षण पूरे प्रदेश में लागू होता है तो रायबरेली भी पूरे प्रदेश में आता है, उसमें भी लागू होगा। अगली खबर आगरा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करते हुए जीत के लिए जनता और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं ताज नगरी आगरा में भी समाजवादी पार्टी से छावनी विधानसभा के प्रत्याशी कुंवर चंद वकील ने छावनी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत का संकल्प लिया। युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई।
ये पार्टी के जिम्मेदार सिपाहियों की छावनी विधानसभा की बैठक, उसमें एक दूसरे का परिचय हुआ, जानने का मौका मिला। मन ही मन में संकल्प लिया कि अब की बार हम लोग मेहनत से काम करेंगे और वोट का परसेंट बढ़ाएंगे और माननीय अखिलेश जी का हाथ मजबूत करेंगे और छावनी से प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार कुंवर चंद बकील साहब को इस बार छावनी से प्रत्याशी बनाया गया है, तो मैं पूर्व प्रत्याशी होने के नाते और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने आज पूरी छावनी के संगठन को यहाँ बुलाने का काम किया है, जिससे कि वो उनका सहयोग करें और इन्हें जिताने का काम करें। आज जिस तरीके से देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने छावनी से कुंवर चंद वकील एडवोकेट जी को जो यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया है, और निश्चित ही ममता टपलू, अमीर सिंह फौजदार और हम श्याम भोजवानी खुद पूरी छावनी के जितने भी यहाँ पूरी टीम बनी हुई है समाजवादी पार्टी की, निश्चित ही उनको हर बूथ पे निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम करेंगे। और क्योंकि अब 15 दिन का समय है और इन 15 दिन में ही हम वो करके दिखाएंगे, इतिहास रच के दिखाएंगे कि आपकी छावनी की जो सीट है, छावनी विधानसभा की, वो समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। वही टीईटी परीक्षा को लेकर अलीगढ़ में शिक्षार्थियों के द्वारा भाग लिया गया। परीक्षार्थियों के द्वारा टीईटी के एग्जाम को काफी सरल एग्जाम बताया गया। परीक्षार्थियों का कहना है कि महज गणित के सवालों से थोड़ा असहज महसूस हुआ है, बाकी पूरा एग्जाम ठीक रहा। टीईटी परीक्षा का आयोजन दो पालियों में कराया गया था, जिसमें प्राइमरी स्तर की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक और अपर प्राइमरी स्तर की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक हुई है। प्राइमरी स्तर के लिए पंजीकरण में 18,888 अभ्यर्थी 38 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। पेपर अच्छा था, एवरेज पेपर था, ना टफ ना हार्ड। जिस तरीके से पिछली बार को पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो आने जाने के लिए कोई सरकार के द्वारा कहा गया था, उनका कोई शुल्क नहीं लिया गया, तो किस तरीके से कैसे आना हुआ था? बस के आए थे और किराया वगैरह कुछ नहीं लिया गया, सब ठीक था, सब अच्छा था। पेपर भी मतलब पहले की अपेक्षा भी ठीक था, एवरेज था। तो उससे सेवा फ्री रही आने जाने की? हाँ, सावधानियाँ तो बहुत अधिक बरती गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि कोविड का प्रोटोकॉल भी हमें उसका पालन भी करना था। और ओवरऑल हम कह सकते हैं आज का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इजी था ना, उसमें मैथ का सेक्शन और आपका ईवीएस का सेक्शन काफ़ी नॉर्मल बेस था, हालांकि उसमें कुछ सीडीपी थोड़ा हम इजी से मॉडरेट कह सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेपर मीडियम ही रहा है, इजी टू मीडियम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं कह सकते। यही है कि बहुत अच्छा रहा। वही फिरोजाबाद में कुछ परीक्षार्थियों ने कॉलेज में न घुसने का आरोप भी लगाए हैं। परीक्षार्थियों ने समय से कॉलेज पहुंचने की बात कही, फिर भी उन्हें जगह नहीं दी गई है। परीक्षार्थियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। समय पर कॉलेज में पहुंचने पर परीक्षार्थियों को कॉलेज में एग्जाम देने के लिए नहीं बैठने दिया गया। छात्र वीडियो में कह रहे हैं कि परीक्षार्थियों के भविष्य से प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। कॉलेज में परीक्षा में न बैठने से कॉलेज के बाहर छात्रों के चेहरे मायूस दिखाई दिए। लाइन काफ़ी दूर तक लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने 5 मिनट में सब काफ़ी बच्चे इन्होंने अंदर कर दिए। जब मैं अंदर गया तो अंदर जब चेकिंग चल रही थी, वहाँ पर कुछ बच्चों के अटेस्टमेंट नहीं थे, तो उन्होंने कुछ बच्चों के सेल्फ अटेस्टमेंट करा के अंदर करा दिया। और मेरा उन्होंने बोल रहा कि कॉलेज से करा के अटेस्टमेंट लाओ, फिर उन्होंने बाहर कर दिया। फिर मैं दोबारा भी गया तो उन्होंने नहीं आने दिया, चाहे एग्जाम नहीं हो। मेरे साथ करीब 7-8 बच्चे ऐसे थे जो किसी के पास मार्कशीट नहीं थी, उन्होंने नेट से भी निकलवाई मार्कशीट, लेकिन वो अंदर फिर उन्होंने बाद में अंदर नहीं जाने दिया, कह दिया टाइम अप हो गया, अब नहीं जा सकते आप। इस तरीके से काफ़ी बच्चे रह गए हैं सर, कुछ सेल्फ अटेस्ट कर खुद करके अंदर चले गए और किसी से बोल दिया कि कॉलेज से अटेस्ट करा के लाओ। ये दो गले की बात कर रहे हैं, या तो सभी बच्चों को सेल्फ अटेस्ट कराते या सभी से बोलते कि कॉलेज से अटेस्ट करा के लानी थी, तो ये मार्कशीट की प्रॉब्लम आई है सर। इस वजह से पेपर काफ़ी बच्चों का छूट गया, मेरा भी छूट गया है सर। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर जिले में आयोजित टीईटी परीक्षा की प्रथम पाली में परीक्षा में 5 मिनट विलंब से पहुंचने वाले दर्जनों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि जिले में आयोजित टीईटी के लिए नगर के बीएलजे इंटर कॉलेज में सेंटर बनाया गया, जहां पर जिले में 14,737 परीक्षार्थी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रथम पाली की परीक्षा के लिए निर्धारित समय 10 बजे और केंद्र में प्रवेश के समय जो था वो आधा घंटा पहले तय किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी ने परीक्षार्थियों के हंगामा काटने पर कहा कि उन्हें समझाकर वहां से हटवा दिया गया है।
5 मिनट हमको लेट हुआ, 9:35 पे यहाँ आए, हमको गेट बंद हो गया, प्रशासन भी आया, मार मार के सबको हटाने लगा, चिल्ला चिल्ला के। क्यों मारने लगे? कि आप लोग लेट आए हैं। क्या आपने बताया नहीं? और सारे स्कूल हैं जो 15 मिनट पहले तक ले रहे हैं, 15 मिनट लेट तक, लेकिन हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए बहुत सारे लोग, लेकिन सबका परीक्षा वो लोग छोड़वा दिए, वहाँ से हटा दिए सब। टाइम क्या है? 25-30 लोग का टाइम है, 10 बजे पेपर का जी। आप 9:35 पे आ गई थी यहाँ पे, फिर भी आपको अंदर जाने नहीं दिया गया। करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आए हैं और ये BLJ कॉलेज है और यहाँ 9:32 पे है, एंट्री नहीं लेने दिए गए हमको और हम यहाँ से तब से खड़े हैं। यहाँ ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ अपने जीवन में, ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा एक विद्यालय है कि ऐसा हुआ है यहाँ और 9:32 पे ही एंट्री नहीं लेने दिए हमको, बाहर खड़े कर दिए। इस वीडियो के संबंध में यह कहना है कि यह BLJ स्कूल का वीडियो है, कटरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, न तो किसी प्रकार की धक्का मुक्ति की गई है। जो परीक्षा के लिए निर्धारित समय था उसके समय के अनुसार जो बच्चे आए थे उनको एंट्री लिया गया है, बाकी जो बच्चे काफ़ी देरी से आए थे तो उनको स्कूल द्वारा जो है और वहाँ पर प्रशासन पुलिस के द्वारा समझा बुझा करके जो है वापस किया गया है, किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं किया गया। वहीं औरैया के भी परीक्षा केंद्रों में UPTET की जो परीक्षा थी कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई। DM सुनील वर्मा ने संबंधित परीक्षा केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। UPTET परीक्षा का आयोजन में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। क्षेत्र में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरफ से भी चेकिंग की गई। बहुत इजी पेपर था पहले से, अच्छा था। कहाँ से आए थे आप लोग? पूरा पूरी दिव्या ग्रुप के पास। कैसा रहा पेपर आज का? पेपर अच्छा रहा आज। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पेपर अच्छा रहा। पिछली बार जो पेपर आउट हो गए कितनी परेशानी झेलना पड़ी, उस बार क्या कहना चाहेंगे? उसमें काफ़ी तैयारी की थी, उसके बाद उसकी मेहनत के बाद भी पेपर कैंसिल हो गया तो दोबारा तैयारी करनी पड़ी उतनी। कौन सी पेपर दिया आपने? प्रथम पाली पेपर। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की? कड़ी सुरक्षा है, पूरी तरीके से कैमरा विजिलेंस है, सबके बैग्स वगैरह बाहर डिपॉजिट किए गए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्मार्ट वॉच वगैरह हमने कुछ भी अलाउ नहीं किए, किसी भी तरीके से कोई भी पता ही नहीं बरती जाती है। कितने बच्चे हैं तीनों सेंटरों? दो सेंटर्स में लगभग 1000 बच्चे और एक सेंटर में 700 बच्चे। वहीं रायबरेली में TET की परीक्षा देने के लिए बनाए गए केंद्रों पर परीक्षार्थी नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ ऐसी भी छात्राएं थी जिनके पास प्रवेश पत्र के ही नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रवेश भी नहीं दिया गया। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज TET परीक्षा का केंद्र बना हुआ है, इस दौरान छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही ADM अमित कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाल लिया। हम लोग कॉलेज तो 95 किलोमीटर दूर था और ओरिजिनल फोटोकॉपी मौसम की वजह से हम लोग ला नहीं पाए और जो फोटोकॉपी हम लोग लेके आए हैं उस पे ये लोग हम लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। और जो बच्चे कई सर टाइम पे आ गए थे लेकिन 9:30 के बाद उन्होंने अलाउ नहीं किया, परमिट नहीं किया अंदर आने के लिए। तो आप क्या बजे यहाँ पे? हम आ गए थे 9:20 पर। अच्छा, तो क्या हमको परमिशन मिल गई थी, अंदर गए भी थे लेकिन हमारे पास ओरिजिनल नहीं था इसलिए हमको अलाउ नहीं किया पेपर देने के लिए। सर हम लोग 2 साल से TET एग्ज़ाम हुआ नहीं था, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? सर हर जगह पे एग्ज़ाम होता है लेकिन यहाँ पे स्पेशल कॉलेज है जो हम लोगों को एंट्री नहीं दे रहा है इस पे। पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा है कि मेरी ये फोटोकॉपी है मेरे रिजल्ट की, तो उन्होंने कहा कि इसमें ब्लू सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और आधार कार्ड भी था मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, क्या बजे आई हैं आप गेट पे? 9:15 पे मैंने एंट्री नहीं ली और अंदर हमने बहुत रिक्वेस्ट की पर उन्होंने माने नहीं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से? मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से आए हैं और हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए नहीं क्योंकि आज सब लोग ऑनलाइन होता है, सब तो मोबाइल में थे और हमारे डॉक्यूमेंट्स मतलब हम यहाँ पर मम्मी के पास यहाँ पर थे, हम पढ़ते वहाँ पर छिंदवाड़ा में हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से एग्ज़ाम देने आए पर उन्होंने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया, कह रहे थे कि नहीं
आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, नहीं तो नहीं, और इसमें तो लिख पा के लाइए। अब 3 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड निकला, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे थे, हमने 1 हफ्ते पहले 13 तारीख से निकलना स्टार्ट हुए, हमने इतना ट्राई किया, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे थे। फिर उसके बाद जब 3 दिन में, मतलब 3 दिन पहले किसी तरीके से निकले, तो हमने उसमें देखा 3 दिन में तो मध्य प्रदेश जाके फोटो कापी निकलवा के या फिर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से प्रिंट लिखवा तो सकते नहीं थे, तो हमने सोचा यहाँ आ जाएंगे और उसमें बाकायदा हमारे प्रिंसिपल की साइन तो है, सब तो है, अब और क्या करें। अभी प्रथम पाली में 15,000, सेकेंड पाली में 10,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, और हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट हर सेंटर पे लगा रखा है, साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट जो कि पत्रों को पहुंचाएंगे। वहीं सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने के कुशल निर्देश में बीजापुर पुलिस प्रभारी भयास एसपी सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित अपराधियों को उप निरीक्षक ब्रजेश पांडे, कांस्टेबल विवेक राय और अनूप कुमार जो थे उनके निगरानी में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिंटू और अनिल कुमार के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, दोनों अभियुक्तों की तलाश लगातार जारी थी जिसके बाद अब उन्हें बरामद किया गया है। साथ ही अभियुक्तों के पास से एक तमंचा और 315 बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं संभल में मुखबिर की सूचना पर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान वैन सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 3 इनामी बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए, जिसमें से एक मौके से फरार होने में सफल हो गया। गिरफ्तार 3 बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित था। बदमाशों से 3 तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। कार पलटने से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, वहीं फायरिंग से एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस फोर्स फरार बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। थाना असमौली के अंतर्गत इनका पूरा गिरोह एक जगह से निकल रहा था, वहां पुलिस टीम के द्वारा रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। इनमें से 2 बदमाशों को थाना असमौली में गिरफ्तार किया गया, जिनके पैर में गोली लगी है और उनके साथ में एक लाल रंग की बाइक बरामद हुई है, उनके साथ 2 असलेह बरामद हुए। इसके बाद जब 3 बदमाश वहां से इस मारुति वैन में भागने में सफल रहे, इसके पश्चात पूरे जिले में, संभल जिले में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, तो अभी 11:30 बजे करीब चंदौसी में ये नेहटा मार्ग पर ये 3 बदमाश एक वैन में आते दिखाई दे, इनके साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी फरार है। इन 3 को जब पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, इनकी वैन इसी प्रोसेस में यहाँ रोड के किनारे पलट गई। ये 3 भागने की कोशिश में फायर करते हुए भाग रहे थे, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में इनमें से 2 के पैर में गोली लगी है, 1 के हाथ में लगी है। इस तरह से ये 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा गिरोह, इनमें से एक अभी फरार है, ये पूरा गिरोह चंदौसी में हुई व्यापारी के साथ लूट में शामिल थे, इसके अलावा मुरादाबाद में जो घटना हुई थी उसमें भी शामिल थे। इसमें प्रोसेस में हमारा एक सिपाही घायल हुआ है जिसका नाम अभिषेक है, उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इन 5 पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसमें हम लोग आगे जो आगे प्रोसेस है उसको रिकमेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी जो एक अपराधी फरार है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर शाहबाज गांव में घर में कलह के चलते अरविंद पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों को इस बारे में जानकारी हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरविंद पटेल मूल रूप से फतेहपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अलीपुर गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वह अपनी पत्नी के साथ अपने शाहबाजपुर में रहा करते थे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।